हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा आचार्य। पेपर वन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का पार्ट लेकर आई हूं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पेपर बहुत ही अच्छा है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो चलिए आंसर्स चेक कर लेते हैं, जिसके बाद आपका थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न होगा आपके क्वेश्चन के आंसर को लेकर, वो दूर हो जाने वाला है और आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल कन्फर्म होने वाले हैं इस आंसर की को देखने के बाद। तो ये है जो टेस्ट बुकलेट कोड है, ये बी है, आप देख सकते हैं। ये जो बी सीरीज़ है वो है। अगर आपका कोई और सीरीज़ है तो आप क्वेश्चन और उसका जो ऑप्शन है वो मैच कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट वन, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के आंसर की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं भाग एक है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, और पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बहुत टाइम नहीं लेंगे, आंसर आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है। और इसका जो सही आंसर है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। जो बुद्धि होती है वो बहुआयामी होती है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसका जो ऑप्शन थ्री है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं और एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। तो यहाँ क्या होगा, क्रिएटिविटी उसकी शो होगी, तो सृजनात्मक विचारक इसका सही आंसर होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वह है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही जवाब ऑप्शन वन। आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर पर पहुंच चुके हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को, ऑप्शन टू इसका सही आंसर होगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी आंसर जो हैं वो सही बताए गए हैं। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि सभी तक, आपके जो मित्र हैं उन तक सही आंसर पहुँच सकें और वो भी अपने आंसर इस की के साथ मैच करके अपने मार्क्स को कंफर्म कर सकें। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो कभी कभी क्या होता है, हिंदी में इतना टफ होता है तो आपको साथ ही इंग्लिश भी दिया होता है, जिससे कि आप आसानी से उस प्रश्न को समझ सकें। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे डिसलेक्सिया, ये आपने वर्ड कई बार पढ़ा होगा और हर साल एक क्वेश्चन अधिगम अक्षमता से संबंधित ज़रूर आता है। तो ये एक तरह की अक्षमता है और ये अक्षमता है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन टू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित पर किस पर आधारित है? समावेशी मतलब सबके लिए समान शिक्षा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन टू, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना सही आंसर ऑप्शन थ्री है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? राइट ऑप्शन जो है वह ऑप्शन थ्री है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सही जवाब ऑप्शन थ्री, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन वन, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, सही जवाब है इसका ऑप्शन टू, सन्निहित होते हैं। ऑप्शन टू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से आंसर है
ऑप्शन थ्री अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगला प्रश्न, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन थ्री होगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और सही आंसर है ऑप्शन थ्री, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? राइट ऑप्शन, ऑप्शन थ्री अन्वेक्षण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं? सही जवाब है ऑप्शन थ्री, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन टू और थ्री, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ऑप्शन टू एंड थ्री इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है और जो सिद्धांत नहीं है वो है ऑप्शन थ्री, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? वैयक्तिक विभिन्नताएँ इंडिविजुअल वेरिएशन और सही आंसर ऑप्शन थ्री है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो सबसे पहले जो होती है वो परिवार और पास पड़ोस होता है, प्राइमरी जो होता है वो परिवार और पास पड़ोस होता है, तो जो सेकेंडरी है वो है विद्यालय और मीडिया। तो सबसे पहले हमें कहाँ से समाजीकरण मिलता है, कहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ से हम सीखते हैं, तो परिवार और पास पड़ोस से सीखते हैं, बाद में हम विद्यालय और मीडिया के द्वारा सीखते हैं, तो ऑप्शन टू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो आपने सुना होगा कि जब बच्चा 3 साल का होता है, 3 से 4 साल का होता है, तो उसकी जो बुद्धि है, जो उसका विकास है, वो बहुत तेजी से हो रहा होता है। उस समय वो बहुत जल्दी सीखता है, आप जैसा उसको सिखाओगे, आप जैसा उसको ढालोगे, वो बहुत जल्दी कैच करेगा, उसी तरह से सीखेगा और उसी तरह से ढल जाएगा। तो ऑप्शन फोर शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं इसी के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर हैं, जो ऑप्शन सही हैं, वो सही जा रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे मेरे ऑप्शंस के साथ। और आप लोगों को बधाई हो, क्योंकि बहुत टफ पेपर नहीं था, अब तक के जितने भी पेपर आए हैं उनको देखते हुए बहुत ही आसान सा प्रश्न पत्र इस बार आप लोगों के लिए आया है, और जिन्होंने ये किया है उन लोगों को तसल्ली मिली होगी पेपर को देख के कि उनकी जो मेहनत थी वो सफल हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सही जवाब है ऑप्शन वन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, ये किसका उदाहरण है? जेंडर से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं, हर साल आते हैं, जेंडर पक्षपात, ऑप्शन फोर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो उसके बारे में
बच्चों से डिस्कशन करना, बच्चों से बात करना, उन्हें बताना, तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो वो है ऑप्शन 1 लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है, जब भी सामाजिक और संस्कृति की बात होगी वहां पर लेव वाइगोत्स्की ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? सही आंसर प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दें जिनके सही आंसर हैं, मैच कर रहे हैं मेरे ऑप्शंस के साथ, मेरे आंसर्स के साथ, जिनके आंसर मैच कर रहे हैं वो लोग तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, क्योंकि और भी सब्जेक्ट की आंसर की यहाँ पर अपलोड होने वाली हैं, सभी सब्जेक्ट्स की आंसर की आपको मिलेंगी बिल्कुल सटीक आंसर के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 27, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सही आंसर है पार ढांचा, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 संरक्षण कक्षा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? राइट ऑप्शन है इसका स्कीमा, ऑप्शन 4। और आगे बढ़ लेते हैं, जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की, तो यहाँ आपको देखिए हिंट भी दी हुई है वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं। तो वाइगोत्स्की का जो होता है वो है व्यक्तिगत वार्ता, जो अपने आप से बातें की जाती हैं, प्राइवेट स्पीच जिसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। इसी के साथ यहाँ ये वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट की आंसर की के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।